श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ओम व्यासं वसिष्ठनब्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वंदे शुकतादं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे परमात्मा, मैं आपकी विभूतियों को जानना चाहता हूँ। कथं विद्यामहं योगिन, अभी बताइए कि आपका चिंतन मैं कैसा कर सकता हूँ, आपको किस तरह से जान सकता हूँ, कैसे जानूँ आपको। ए योगिन, सदा परिचिंतयन, निरंतर निरंतर सदा चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, किस प्रकार से जान सकता हूँ। और केशु केशु च भावेशु, भावेशु माने किन किन पदार्थों में, वस्तुओं में आपको मैं ध्यान कर सकता हूँ, उपासना, आपकी उपासना मैं कर सकता हूँ। और विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथया। दोबारा फिर कहिएगा, अभी विस्तार से कहिएगा। शुरुआत में आप तो कुछ कुछ बातें कह तो दी, योग क्या है, विभूति क्या है, अपनी विभूतियों के बारे में, क्योंकि मुझे तृप्ति नहीं हो रही है तो इसीलिए मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। और भी आपकी विभूतियाँ जितने भी हैं, हे जनार्दन, आप मुझे समझाइए, बताइए। अभी देखिए, दसवां अध्याय में विभूतियों के बारे में सुनते हैं और ग्यारहवां अध्याय में इन्हीं विभूतियों का दर्शन करते हैं। पहला श्रवण किया, बाद में भगवान दर्शन दिला दिया। अच्छा, तो ये है अर्जुन की प्रार्थना। प्रार्थना को भगवान ने सुन लिया, उनको भी लगा कि ये तो अधिकारी है, उत्तम अधिकारी अर्जुन, इसलिए आगे अगले अध्याय में विश्वरूप भी दिखाएंगे। तो भगवान कहते हैं, चलो ठीक है, ये बच्चा मांग रहा है, जानना चाहता है विभूतियों को, चलो बताते हैं। श्री भगवान उवाच, हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवानुवाच, हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे।
हंत, हंत माने इदानीम, माने इसी वक्त इसी समय, हंत माने इस वक्त इसी समय अब, मांगने मांगने के बाद तुरंत भगवान ने जवाब दिया है। ऐसा नहीं कहा भगवान कल सवेरे मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, बाद में समझाऊंगा, युद्ध के बाद समझाऊंगा, अभी समय नहीं है, नहीं, इसी वक्त, हंत मतलब इदानीम अभी, ते तुमको दिव्या दिवि भवा आत्मविभूतयः आत्मनो मम विभूतयः याः ताहा कथयिष्यामि, मेरी जो विभूतियां हैं दिव्य विभूतियां, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न क्या था, सात्विक विभूतियों के बारे में पूछा है, क्योंकि ये सारी विभूतियों विभूतियां सात्विक उपासक के लिए ही है, क्योंकि सात्विक उपासक इन पर ध्यान करके अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उपासनाओं में भी विभूतियों में भी कुछ कुछ सात्विक उपासनाएं हैं, सात्विक विभूतियां हैं, क्योंकि सात्विक उपासक ही इन विभूतियों का ध्यान करके अपने आप को और पवित्र बना सकते हैं, अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दिवि भवा, देवलोक में, देवलोक माने दिवि माने दिव्य, दिव्य विभूतियां जो साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आता। ये देखिए, सारे सभी लोग इन विभूतियों का दर्शन कर ही पा रहे हैं, मगर सूचता नहीं कि ये इनकी ही लीला है। कुछ कुछ पदार्थ, कुछ कुछ विशेष रूप, रंग, क्रियाएं दुनिया में चल रही है, हो रही है, हमें ये भान नहीं होता, ये ईश्वर का ही है, ये परमात्मा का ही एक अंश है, इनकी विभूति है, ऐसा भान नहीं होता। ऐसा भानयुक्त जीवन जीना ही साधना है। सूचता नहीं आदमी को, मंदबुद्धि को बिल्कुल सूचता नहीं, मध्यम अधिकारी को कभी सूचता है कभी नहीं सूचता, मगर उत्तम अधिकारी को तुरंत इन्हीं की विभूतियां देखते हैं। और ऐसे महात्मा लोग भी हैं, कुछ कुछ चीजों को देखकर समाधि भी लग जाती थी, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, आकाश में पक्षियां उड़ रही हैं देख करके समाधि लग गई, काली माँ का विग्रह देखा समाधि लग गया, देखा किसी बालक को देखा समाधि लग जाता है, क्योंकि इस बालक में भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, बाल चेष्टाओं में भी कृष्ण की लीलाएं दिखाई दी उनको। देखिए, तो अत्यंत सात्विक दृष्टि होने से ये विभूतियों हम देख सकते हैं विभूतियों को। मगर साधक, सात्विक साधक के लिए क्या करना है, अभ्यास से देखना है विभूतियों को, अभ्यास करना चाहिए। हम क्या देख, किसी के व्यक्ति में कुछ कोई विशेष खास बात दिखाई दिया तो हमको जलन होता है, उस पर ईश्वर की कृपा हुई इसीलिए इनके अंदर ये विभूतियां दिखाई दे रही है, ये कला जो दिखाई देता है ईश्वर की कृपा से ही मिल रहा है उनको, मिला है उनको, ये ईश्वर की लीला ही और विभूतियों को, विभूति को ही मैं दर्शन कर पा रहा हूँ इस वक्त इनके द्वारा, ऐसी भावना नहीं होती, जलन होता है कि इनके पास कुछ आ गया, ईश्वर उन पर कृपा, स्पेशल कृपा कर ली और मुझ पर कृपा नहीं किया। ये सारी स्थितियों को पार करना है कि देखिए, घर पे तीन चार बहू हैं, सब मिलके रसोई घर में रोज खाना बनाते हैं, मगर तो एक कोई चटनी बनाई, कोई एक सब्जी बनाई, कोई चावल रोटी का सब कुछ जो जो है, और खाने वाला खास करके कोई व्यक्ति उस दिन पूछा है ये चटनी किसने बनाई, तो ये एक बहू सामने आ जाती है, बोले बड़ी अच्छे बनाए तुमने, बहुत एकदम पसंद चटनी है, एकदम बढ़िया, और डालो जरा खाएंगे, बाकी तीन बहुओं को गुस्सा आता है।
जलन होता है कि देखो मैं भी रसम बनाया, सांभर बनाए या ना तो चावल बनाया, कोई तारीफ नहीं करते हैं, जलन होता है जलन। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। ये ध्यान रखना चाहिए, ये आत्मौपम्येन सर्वत्र देख चुके हैं श्लोकम छठवा अध्याय में। तो सभी कोई सुखी है दुखी है तो मेरा ही सुख है, ये मेरा ही दुख है। सब में अपने आप को देखकर देखने लगे तो जलन नहीं होता है। सो विभूतियों को, ये सात्विक उपासक इन सारे विभूतियों को देख करके इसका प्राकट्य जहां भी हो, विभूतियों के द्वारा, इन विभूतियों के द्वारा वो ईश्वर का ही दर्शन करता है। साधारण व्यक्ति को जलन होता है, उद्वेग आ जाता है, यह अभ्यास करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मविभूतयः आत्मनो मम विभूतयो याः ताः कथयिष्यामि, मैं बताऊंगा इति एतत्। और कैसे बताओगे, हालांकि मेरी विभूतियां अनंत है, अनंत विभूति, तो इसलिए मैं प्रधान्यतः प्राधान्यतः यत्र यत्र प्रधाना या विभूति ही ताम ताम प्रधानाम प्राधान्यतः, माने जहां जहां जो प्रधान विभूतियां हैं, जिस दशावतार है मत्स्य कूर्म वराह के बारे में नहीं बताया, रामावतार का आ गया, कृष्ण का भगवान का आ गया है, परशुराम जी का भी आया है इसमें, अभी भगवान बताएंगे आगे। तीन अवतारों के बारे में बताते हैं कि इनमें से मैं परशुराम हूं, इनमें से मैं भगवान राम हूं, इनमें ये कृष्ण हूं। फिर मत्स्यावतार आप नहीं थे क्या, आपकी विभूति नहीं है? नहीं है, प्रधान्यतः प्राधान जो प्रधान है मैं उन्हीं को समझाऊंगा। अभी अनंत विभूतियां हैं, सबको सभी विभूतियों के बारे में तुमको पढ़ाना या सुनाना असंभव, मेरे लिए भी असंभव है। तो प्राधान्यतः जो प्रधान रूप से जो विभूतियां हैं उन सारी विभूतियों को मैं आपको सुनाता हूं। कथयिष्यामि अहम कुरुश्रेष्ठ, ए कुरुश्रेष्ठ कौरवों में श्रेष्ठ अर्जुन मैं तुमको सुनाता हूं, ठीक है। अशेषतः तो वर्ष शतेन अपि न शक्या वक्तुम, देखिए वर्ष 100 साल भी बताते जाऊं तो भी इसका अंत नहीं होता। देखो भगवान खुद ही स्वयं कह रहे आचार्य भाष्य में कि मैं स्वयं को समझाऊं पूरा अशेषेन, आपने कहा अशेषेन वक्तुम, पूरा जितनी विभूतियां हैं सारी विभूतियों को सुना देना। भगवान कृष्ण युद्ध करने आए, सुनना चाहते हैं वहां पर बैठ के सत्संग, अब सुनाते रहो, मैं सुनता रहूंगा। अनंत विभूतियां हैं। एक कहानी आती है, सबसे पहले दिग्गज, जो दिग्गज माने ये दिग्गजों के सिर पर सारा दुनिया का बोझ था, दिग्गजों उन पर ये सारा दुनिया का बोझ पड़ा रहा, बेचारा बोझ ढो रहे थे सिर पर, और कितने समय, लंबा समय हो गया, थक गए सारे दिग्गजों, चार थे, चार थक गए, थककर वो इंतजार में बैठे हैं कोई मिले उनको सौंप दे ये काम। मगर कोई भी ऐसा पूछता था कि मेरा बोझ लेगा, ऐसा प्रश्न पूछने से कोई भी व्यक्ति दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, हाँ जी आपका बोझ मुझे दे दो, ऐसा देने वाला दो, वो पूछने वाला हो सकता है शायद, लेने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। चलो ठीक है आपका सारा बोझ मुझ पर रख दो, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं था। बेचारे वे थके थकते जा रहे हैं, सूझ नहीं रहा था क्या हो, क्या करूं क्या करूं, कुछ सूझ नहीं रहा। तो ये एक दिन नारद जी जा रहे थे वहां पे, तो नारद जी से पूछे, नारद जी आप तो घूमते रहते हैं लगातार, कोई सिर पर बोझ ही नहीं है आपका, सिर्फ वीणा लेकर के बजाते बजाते घूमते हो आप हमारी समस्या को देखो,
ये सबसे पहले, सबसे जब से ये सृष्टि बनी तब से मेरा सिर पर हम इसका बोझ उठाकर बैठे हैं। आप ऐसा कीजिए कि इसको हमको कम से कम वो उतारने के लिए और किसी को ढूंढ के बुलाओ, उस पर हम लोग ये बोझ डाल देते हैं ताकि हमको कुछ आराम मिलता है। हमारा काम बहुत कर लिया है, मिलता नहीं कोई व्यक्ति। नारद जी बोले चलो ठीक है, मैं आपकी बात मैं भगवान के पास ले जाऊंगा, उनसे पूछता हूँ, तो चलो ठीक है जाके पूछेंगे, ठीक है भगवान तक पहुँचा देता हूँ आपकी बात। तो भगवान के पास गए, विष्णु जी के पास। उन्होंने नारद जी ने कहा कि भगवान बेचारे चार दिग्गज हैं, बोझ सिर पर था, पता नहीं अनादिकाल से, अनादि मैंने बहुत लंबा समय से ये डो रहे थे बोझ, अभी बहुत हो गया है, उनको थोड़ा आराम तो दे दो और किसी को डाल दे वहाँ पे। भगवान विष्णु बोले कि नहीं ऐसा मत कहो, उनसे कह दो कि ऐसा मत पूछना कि मेरा बोझ लोगे क्या, ऐसा मत पूछना, कुछ समय के लिए किसी को दे सकते हैं, कुछ समय के लिए। हमेशा के लिए कोई नहीं लेगा, कुछ समय के लिए बोझ सिर पर डाल सकते हैं, इसके तुम ढूंढने दो, कोई ना कोई मिलेगा। तो नारद जी आ गए, बोले कि देखो हाँ कुछ समय के लिए आप किसी को पूछ सकते हैं, हमेशा के लिए भगवान ने मना कर दिया, आपको ये बोझ से उठाते रहना है, जब तक सृष्टि काल रहेगा तब तक आप ये सारे सृष्टि को सिर पर बैठ रख कर वहीं बैठना है। तो वे तो निराश हो गए, अब ये कैसे चले, रास्ता दिखाइए। तो नारद जी ने बोला कि मैं एक रास्ता बताता हूँ, सुनिए, हाँ कुछ समय के लिए माने किसी को मैं ढूंढ के लाता हूँ, आप ये मत पूछना कि मेरा बोझ लोगे, ऐसा मत पूछना, कुछ समय के लिए आप ले लीजिएगा, हम थोड़ा चाय वाय पी के आते हैं फिर अपना काम शुरू करते हैं। ऐसा पूछने से कोई आ सकता है, टेम्पररी काम ले सकते हैं, पूरा काम कार्यभार सिर पर लगा दिया कोई नहीं लेगा, ऐसा पूछो। पूछे और कितना समय के लिए पूछना है, बोले कि ऐसे पूछो कि बस भगवान का जितने भी नाम है एक बार नाम लेने तक आप सिर पर ले लो, बाद में फिर हम ले लेंगे, ऐसा बोलना है। तो दिग्गज बोले बहुत अच्छी बात है, हम ऐसे ही कहेंगे। तो सीधा नारद जी चला गया नागलोक में, अनंत नाग को पकड़ा, अनंत नाग को बोला तेरे को तुम्हारे पर एक सिर नहीं हजार सर पड़ा है, फण हजार है और तुम बड़े बलवान हैं, तो इसे तुम जाओ बेचारे उनको थोड़ा राहत मिले तो दिग्गजों के पास जाओ, उनका बोझ उठाओ। कितना समय तक, ज़्यादा समय नहीं है, बस जितने भगवान का नाम है उतना ले लो नाम, बस उतना समय तक सिर पर बोझ उठाओ, बाद में सारे दिग्गजों फिर अपने तुमसे बोझ वापस ले लेंगे फिर ये ढोएंगे। अनंतनाग ने सोचा मेरे पास हजार पण हैं, हजार मुख है, एक एक मुख में हजार हजार जीभ है, माने सारे भगवान का नाम अत्यंत शीघ्र काल में मैं समाप्त कर सकता हूँ, पढ़ना उच्चार करना बस थोड़े समय के लिए ही है तो मैं डो सकता हूँ, करके आया और सिर पर रखवाया, अभी तक उतरा नहीं क्योंकि अनंत नाम है, अभी तक नाम लेते जा रहे हैं कभी खत्म नहीं होता है। बड़े चार दिग्गजों मस्ती कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, चाय वाय समोसा खा के बैठ रहे हैं वहाँ पे। ये अनंत नाग सोचा कि जल्दी नाम ले लेंगे, अनंत विभूतियां हैं खत्म ही नहीं हो रहा है, अभी तक बेचारा हजार पण मुखों के द्वारा हजार हजार एक एक हजार ना 1000 × 1000 देखो कितना हुआ, 10 लाख हुए, 10 लाख बार 10 लाख नाम एक बार उच्चारण कर सकते एक साथ लगातार करते जा रहे हैं तभी भी अभी नहीं हुआ पूरा। एक कहानी आती है, इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है, मेरे भी बस की बात नहीं है ये सब समझना, कितने नाम है क्या बताऊं, अनंत अंत नहीं है। इसलिए अर्जुन मैं तुमको प्रधान 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 जो भी है मैं उन वहीं बताता हूँ, ठीक है सुनाता हूँ, क्योंकि वर्षशतेन अपि न शक्या वक्तुम,
हजार साल भी मैं बैठ के बोलते जाऊं तो भी खत्म नहीं होता। न अस्ति अंतः विस्तरस्य मे मम विभूति नाम इत्यर्थः, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। सौ साल भी बैठकर सुनाते रहूं तो भी अंत नहीं होता, खत्म नहीं होता है। तत्र प्रथमम एव तावत् श्रुणो, देखिए ये सबसे गहरी बात है। सबसे पहली विभूति क्या है? अनंत विभूतियां हैं। सबसे पहली विभूति स्पष्ट रूप से, समबडी टेल देम नॉट टू टॉक टू मच लाउडली, यहां तक सुनाई दे रहा है। तो भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यंच भूतानामन्त एव च अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यंच भूतानामन्त एव च। सबसे पहली विभूति अहम आत्मा प्रत्यगात्मा, ये देखिए सुनिए जान से, सबसे पहली अभिव्यक्ति विभूति भगवान का क्या है? प्रत्यगात्मा रूप में उनका प्राकट्य ही सबसे पहली विभूति है। सब में जो मैं है ना, मैं है मैपन, जो मैपन जो है वही प्रत्यगात्मा है। क्योंकि जो अहंकार अहंकारात्मिका वृत्ति जो है ना, वृत्ति जो वृत्ति किस लिए है, कहां से उत्पत्त, प्रत्यगात्मा है इसलिए वृत्ति है। तो कहते हैं प्रत्यगात्मा उस अहंकारात्मिका वृत्ति का विषय बनता है। तो मैं कहां से निकला, क्यों निकला, कैसे निकला, देखिए मैं इस अनुभव का वह विषय बनता है। लगातार प्रत्यगात्माएं उठा रही है, क्या उठा रही है? अहम आत्मा, अहम वृत्ति। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं सभी भूतों में, सभी प्राणियों में जो अहम अहम रूप में जो भास रहा है, ये सबसे मेरी पहली विभूति यही है। उसको पकड़ लिया तो बाद में बाहर की विभूतियों के ओर नजर डालने का कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए महात्मा लोग जो अपने आप के अंदर जो परमात्मा प्रत्यगात्म रूप में बैठे हैं, जिन लोग उनको जान लिया, इस तत्व को जाना, उसी तत्व को फिर ग्रहण करने के लिए साधन को अपनाया, अपनाते अपनाते अपने स्थान से कभी निकलते नहीं। क्योंकि तीर्थस्थल, पुण्यक्षेत्र दर्शन, महात्माओं का दर्शन, घूमना फिरना, ये सब मध्यम अधिकारी के लिए ही है, अत्यंत श्रेष्ठ अधिकारी के लिए, जिसने पहचाना कि प्रत्यगात्मा के अंदर जो के द्वारा मैं जो भास रहा है वही ये पहली विभूति है। उसको पहचान लिया तो बस मेरी यात्रा खत्म हो जाती है। ऐसा जिसको, जिसने जाना, उसको, उस व्यक्ति, उस साधक को, उस महात्मा कभी निकलते नहीं अपने जगह से, जहां है वहीं बैठ जाते हैं। खोज अंदर है, बाहर नहीं है। फिर बाहर इतना घूमते हैं, फिरते हैं,
क्यों करते हैं? आखिर में यही मालूम करना चाहिए सबको कि खोज अंदर ही है। ये इस बात को समझने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। इधर फिरो, उधर घूमो, इधर प्रारब्ध के अनुसार, शरीर के प्रारब्ध के अनुसार घूम रही है शरीर, तो ठीक है, चल रहा है, चलने दो। मगर इच्छाओं को जागृत करके उधर दर्शन करेंगे, इधर दर्शन करेंगे, उधर मंदिर में जाएंगे, इधर इस जाएंगे, उधर जाएंगे, ये सब गौण है। क्योंकि सब भगवान कहते हैं सबसे पहली विभूति यही है, अहम आत्मा गुणाकेशः, अहम आत्मा प्रत्यगात्मा, ये गुणाकेश अर्थ अलग है। ये अर्जुन, अर्जुन का नाम है गुणाकेश। सबसे पहली विभूति क्या है? आत्मा के रूप में। कुछ भी नहीं है बाहर, किसके लिए ये सब कुछ नहीं है बाहर? अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञानी के लिए बाहर कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारा मन तो भगा रहा है हमें बाहर, ठीक है, ये पहली विभूति है। सर्वभूताशय स्थितः, देखिए, सर्वेषां भूतानां आशये अंतर हृदि स्थितः, सभी भूतों के प्राणों के अंदर, मन के अंदर अंतरात्मा अंतर्यामी के रूप में जो बैठा है वही मैं हूं, वही मेरी विभूति है। नित्यम ध्येयः, इस प्रकार नित्यम ध्यान करना है, करने योग्य विभूति, ध्यान करने योग्य विभूति। क्योंकि भगवान क्या कहा, शास्त्रों में भी आया है, उपनिषदों में, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। सबसे पहली विभूति क्या है? भगवान इन सब की सृष्टि करके इन सब में आपने अपने आप प्रवेश किया। आपके प्रवेश के बिना कोई भी प्राणी उठ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, सब मरे पड़े हैं। उनकी कांति स्वयं अपने आप को जीव के रूप में प्रवेश किया है, माने प्रवेश होकर जीव बन गया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, सीमानं विधार्य, ब्रह्मानंदर से प्रवेश हुआ सभी प्राणियों के अंदर, तो अहम आत्मा बन गया। अहम 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 अहम, अहम का आधार क्या है? प्रत्यगात्मा। वृत्ति का आधार क्या है? प्रत्यगात्मा। इसलिए वृत्ति उस अहम वृत्ति का विषय बनता है। क्या बनता है? प्रत्यगात्मा बनता है। अंतर्मुखी होकर उस वृत्ति का ही विषय बनाते बनाते वृत्तिपन खत्म हो जाती है, आखिर में बचता है प्रत्यगात्मा ही बचेगा। फिर उपाधि की दृष्टि से नहीं देखते हुए वो प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म है, ऐसा अनुभव होता है। सो सबसे पहली विभूति किसे कह रहे? गुणाकेश, गुणाका, गुणाका मीन्स निद्र, तस्या ईशा गुणाकेश, जो निद्रा को जीत लिया, जित निद्रा इत्यर्थ, निद्रा को जीत लिया। निद्रा को जीतना माने क्या है? निद्रा माने होश उड़ना। जब हमारे होश उड़ जाती है उसको कहते हैं निद्रा, है कि नहीं? निद्रा में हम होश में नहीं रहते, अपने आप को भूल जाते हैं, दुनिया को भूल जाते हैं, हम स्त्री या पुरुष सब कुछ भूल जाते हैं। निरंतर होश में रहना, जागृत रहना, वही है गुणाकेश।
निद्रा को जीत लिया। कई महात्मा लोग हैं सोते हुए दिखते हैं, मगर कोई चला गया आंख वो खोलकर बात करते हैं, पूछते हैं कब आए हैं। हमको डर लगता है कि महात्मा सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं, वे सो भी रह रहे हैं उठ भी रह रहे हैं, ऐसी स्थिति अलग है। सो आत्म चैतन्य का भान कभी खोते नहीं। हमारा क्या है, जागृत अवस्था में जब हम रहते हैं आत्मा अपने आत्मा को भूल जाते हैं, स्वप्न में चले जाते हैं जागृत को भूल जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। हम निरंतर सावधान निरंतर होश में नहीं है हम। मगर भगवान रमण महर्षि देखिए, कोई एक ब्राह्मण सो रहा था गृह प्रदक्षिणा परिक्रमा करते समय, एक ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण सोते हुए दिखाई दिया भगवान रमण महर्षि को, वही कड़े रहकर देख रहे थे उनको, वो तो सो रहा है, और बाकी शिष्यों से भगवान ने कहा कि देखिए बेचारा ये कौन सा स्वप्न देख रहे हैं, ये समझाया भगवान सबको, ये कौन सा स्वप्न देख रहा है। क्योंकि जब वो क्या कहते हैं राखी पूर्णिमा के दिन जनेऊ भी बदलते हैं, सो ये ब्राह्मण था तो ब्राह्मण जनेऊ बनाते हैं, बना के बेचते हैं, तो कुछ कुछ जनेऊ 100 या 200 बना के बेचने से कुछ मिलता है। उसी चिंता काम करते 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 थक कर सो गए, इस चिंता में कि कम से कम मैं 100 या 100-200 बना लूँ तो फिर मेरे बिक जाएगा, बिक जाने से कुछ पैसा मिलेगा, मुझ कैसे कुछ खाना मिलेगा, इस चिंता से वो सो रहे थे, वही स्वप्ना को देख सपने देख रहे थे उसी को। तो भगवान रमण महर्षि परिक्रमा करते समय उस सोते हुए ब्राह्मण को देख करके वो कौन सा स्वप्न देख रहे थे ये सभी बाकी सभी लोगों को बताया। माने इनकी स्थिति, इनकी जागृत अवस्था, जाग माने जगे हुए है, जगे माने हमारे जैसे जगे ना नहीं, स्वयं स्वप्न अवस्था ने दूसरों के स्वप्न अवस्था में भी देख रहे, माने प्रकाशमान सबको प्रकाशित कर रहा है, सभी अवस्थाओं को सबका सभी अवस्थाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। वो है निद्रा, निद्रा को जीतना मतलब वो है। भगवान कभी सोए नहीं। रमण महर्षि के बारे में कहा जाता है जब से जब वो भगवान रमण महर्षि अरुणाचल पहुंचे, शरीर छोड़ने तक कभी सोया नहीं। आंख बंद करके बैठ, कोई आया तो खोल देते से तुरंत। सो वास्तव में अर्जुन को गुड़ा केशा इसलिए कहा गया, अपने लक्ष्य को कभी बोला नहीं, अपने भान जो है अपना भान उसको कभी खोता नहीं, और निद्रा को जीत लिया। इसलिए महाभारत के युद्ध में हमने देखा है एक दिन रात युद्ध चला, रात में भी युद्ध चला, अंधकार में भी एक दिन युद्ध चला, महाभारत 18वें दिन में एक दिन दिन रात चला युद्ध। तो गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यंच भूतानां अंत एव च। देखिए भगवान कहते हैं शंकराचार्य भाष्य में, देखिए देखिए सबसे पहली विभूति क्या है, प्रत्यग आत्मा के आधार पर वहां से निकले हुए अहम 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 जो होता है वही मेरी सबसे पहली विभूति है। जीव के रूप में मैं सबके अंदर प्राकट्य, मेरा प्रकटन जो है प्राकट्य जो है वही मेरी सबसे पहली विभूति है। ठीक है, अच्छा इसको जिसने जाना ठीक है, नहीं जाना उसी के लिए बाकी सब उपास्य दिए हैं, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं भाष्य में। तद अशक्तेन च, इस उपाधि उपासना के लिए जो अशक्त है माने प्रत्यगात्मा के रूप में अहम वृत्ति, वृत्ति के रूप में परमात्मा का ही है, मैं जो मैं कह रहा हूं ये परमात्मा का ही है, ऐसा जिसने जाना उसके लिए और कोई उपासना जरूरी नहीं है।
तद अशक्तेन, जो इस साधना के लिए अशक्त है, सशक्त नहीं है, अशक्त है, उत्तरेषु भावेषु चिंत्यः। उत्तरेषु भावेषु माने आगे कहने वाले भावों को चिंतन करना है, भाव माने वस्तुओं में विभूतियों को ध्यान करना है। किसके लिए? जो पहले विभूति का अधिकारी है तो ठीक है, अनधिकारी है तो बाकी है, सभी विभूतियों का चिंतन उसके लिए करना पड़ेगा। कौन है वो लोग? हमारे जैसे लोग। इसलिए हमको बाहर जगत में विभूतियों को देखना, पूजा पाठ अनुष्ठान, आश्रम में आके भगवान शिव जी को देखा, कृष्ण जी को देखा, राम दरबार को देखा, हनुमान जी को देखा। कई लोग कहते हैं मन प्रसन्न हो जाता है, रोज आते हैं, नमस्कार करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, घर में भी है राम जी, घर में भी है कृष्ण जी, वो अलग है, यहाँ पर मन प्रसन्न होता है, एक आकर्षण है यहाँ पे, ये जरूरी है। इसलिए तदशक्तेन च उत्तरेषु भावेषु चिंत्यः। ऐसा ध्यान करने में जो असमर्थ है उसके लिए आगे जो देने वाली विभूतियों के बारे में जो भगवान समझाने वाले हैं उस पर ध्यान करना है। हाँ, आपको ये साधने के विधान को जानना है, अपने आप को अंदर देखते हुए ध्यान लग गए हैं आपको, और बाहर के क्या करने क्या है? आप अपने आप को आपके अंदर ही देखते हुए, परमात्मा को अंदर ही पहचानते हुए ध्यान लग गए आपको, फिर बाहर आंख खोल के क्या देखना चाहिए? कहाँ जाओगे, क्या जाओगे, क्यों जाओगे? कुछ है ही नहीं बाहर। न कैलाश यात्रा, न बद्रीनाथ यात्रा, न केदार यात्रा, न रामेश्वर यात्रा, कहीं पे भी कोई जरूर नहीं जाने का। ठीक है। अहम चिंतयितुं शक्यः यस्मात् अहमेव आदिः। और आगे कहने वाले भावों में, पदार्थों में मैं, मेरा प्राकट्य को आप चिंतन कर सकते हैं। और मैं कौन हूँ? मैं सबका आदि हूँ, मध्यम और अंत में भी हूँ। आदि माने कारण, मध्यम माने स्थिति रूपी, अंत माने विनाशक। प्रलय काल रुद्र भी मैं ही हूँ, प्रलयश्च। ठीक है। तो अहमेव आदि भूतानां कारणम, सभी भूत कारण मैं ही हूँ, तथा मध्यम स्थिति ही, अंतः प्रलयश्च मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, ये मेरी विभूति है। इसलिए आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलते 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 हम एक स्थिति पर पहुंचना है। क्या स्थिति है? सब कुछ भीतर ही है, और अंदर आंख बंद करके अपने आप की ओर देखने लगे, तृप्ति वही है, शांति वही है, साधना वही है, उपास्य देवता अंदर ही है, बाहर का अपने आप गिरना चाहिए। आप छोड़ना नहीं, वे आपको छोड़ देते हैं। छोड़ने में आपका प्रयास नहीं है, वो अपने आप चूट जाते हैं। या अपने आप चूट जाते हैं? हाँ जी, चूट जाते हैं। जैसे भगवान रामकृष्ण परम सब पूजा करते समय समाधि लग जाती थी उनको, लाइक अभिनव विद्या तीर्थ स्वामी श्रृंगेरी शंकराचार्य जी थे, वो भी अभिषेक करते 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 हाथ रुक जाता था बीच में, क्योंकि समाधि में चले जाते थे। वहां रुद्र का पाठ चल रहा है, शंकराचार्य जी कई लोग बैठते हैं रोज पूजा पाठ के लिए, रोज अभिषेक होना है, अभिषेक करते 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 हाथ बीच में रुक गया, जो पाठ करने वाले भी बेचारा
वो भी फिर पाठ रोक देते हैं, देखते रहते हैं। फिर कभी महात्मा जी एक घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद आंख खोलते, फिर शुरू करते अभिषेक। फिर जो देखने के लिए आएंगे ना लोग, वो अपने ऑफिस जाना है, नौकरी है, समय के अनुसार बैठे रहें स्वामी जी के साथ देखते हुए स्वामी जी को कैसा चले। तो अभिनव विद्यार्थ स्वामी जी अपने शिष्य भारती विद्यातीर्थ स्वामी जी से कहा, अब से आइंदा तुम ही करो, मैं सिर्फ बैठे रहूंगा इधर, बस अभिषेक तुम करो, मैं बैठा रहूंगा, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता है, बाहर अंतर्मुखी होते जा रहा है। क्योंकि रुद्र का पाठ करते समय मैं उस अर्ध को भी जानता हूं, मन इतना शुद्ध हो गया, बाहर है ही नहीं, सब कुछ अंदर ही है। तो अंतर्मुख होना, समाधि लगना, सब कुछ हो रहा है, तो बाहर की क्रिया में लोप हो जाता है। बाकी लोग बैठे रहे, सोचते कि एक घंटे में अभिषेक हो जाएगा, फिर बाद में तीर्थ लेके ऑफिस जाएंगे, सब लोग को बैठना पड़ता है। ठीक है, माने अपने आप छूट गया। इसलिए भक्त लोग कहते हैं कब तक पूजा करना है, जब तक उंगलियां हैं तब तक पूजा करते रहो, जब तक कंठ में बल है तब तक भगवान का नाम लेते रहो। कपवात पित्त दोषे मरण काले स्मरणम तव कुतस्ते मुकुंदमाला। कपवात पित्त दोष के कारण कंठ अवरोध बढ़ जाता है, उस समय भगवान आपका नाम मैं कैसा लूं। स्मरणम कुतस्ते, इसीलिए क्या कहते हैं भगवान, सबसे पहली विभूति क्या है, अपने आप को, मैं आपके अंदर ही बैठा हूं, मैं के रूप, प्रत्यगात्मा के रूप में। अब मेरे लिए असंभव है तो ठीक है, बाहर जाओ, घूमो फिरो, काम करो, उपासना करो, पूजा करो, पाठ करो, अभिषेक करो, जपन करो, पाठ गाना गाओ, जो भी है करो, करते रहो, घूमो फिरो, थक थक के एक दिन ऐसा आएगा मन शांत हो जाएगा। बाद में कितने भी लोग आके आपको छेड़ने के लिए आते हैं कि उधर के एक बार जाके दर्शन करो, उधर जाने से बड़े महात्मा जी बैठे पेड़ के नीचे, महात्मा जी उधर बैठा है वो दूसरे पेड़ के नीचे, वहाँ उस मंदिर में जाओगे, इतनी अच्छी खूबसूरत मंदिर है, आपका मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मन पर आप सुनते रहो। जैसे बच्चे बात करते हैं ना, दादी उधर जाएंगे, उधर ये समोसा मिलता है, ये चॉकलेट मिलता है, खूबसूरत ये है, क्या आपके मन पर प्रभाव पड़ता क्या? कुछ भी नहीं पड़ता है। सुनते हैं, हाँ ठीक है बेटे, तुम लोग जाके खाओ, तुम लोग जाके घूमो, तुम लोग जाके फिरो, तुम लोग जाके खेलो। दादी इतनी आलसी क्यों है? बेसमझते आलसी है। दादी कहती है अपने आप में बैठो, घर पे बैठी हूँ आराम से, बचपन में देख चुका हूँ ये सब, उसमें कुछ है ही नहीं। बच्चे एक्साइट हो जाते हैं कि आ जाओ देखो 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 देखो, बुलाते हैं। इसी तरह इस अवस्था में हमको पहुंचना है। किस अवस्था में? अंतर्मुखी अवस्था। ये हट करके हम अभी आज से अंतर्मुखी हूं, ऐसा नहीं होता है। वो भी नहीं, मैं कल से कहीं नहीं जाऊंगा, आंख बंद करके बैठूंगा, नींद आ जाएगी, बस इतना ही, और कुछ नहीं होगा। जबरदस्ती आंख बंद करके बैठने से हेडेक आ जाता है। मैंने प्रयत्न पूर्वक अंतर्मुखी बनने का नहीं करना, अंतकर्ण शुद्धि होने के बाद ऑटोमेटिकली अंतर्मुखी बनोगे आप।
अंतर्मुखी बनने का नाटक मत करना, जोर मत डालना। ये प्रयत्न बाहुबल के द्वारा प्रयत्न नहीं, जबरदस्ती करके बैठना नहीं, ये भी गलत है। मैं रोज 5 मिनट 10 मिनट बैठने का अभ्यास तो करना ही करना है, थोड़ा ये थोड़ा वो, थोड़ा दही थोड़ा चावल थोड़ा एक आधी रोटी थोड़ी सब्जी थोड़ी चटनी, सब कुछ चाटना है रोज, ठीक है। एवं च ध्येय अहम, इस प्रकार भी मेरा ध्यान किया जा सकता है। कैसे? आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचेर्मरुतामस्मे नक्षत्राणामहं शशि आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचेर्मरुतामस्मे नक्षत्राणामहं शशि। आदित्यानां द्वादशानां, द्वादश आदित्य लोग हैं, द्वादश आदित्य आदित्य का 12 रूप है, द्वादश आदित्य। उनका नाम क्या है? धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्ठा, विष्णु, ये 12 नाम है, इन आदित्यों का नाम है। और एक एक आदित्य 12 मास के लिए, एक एक आदित्य एक एक मास के अधिपति है, शासन करने वाला है। तो आदित्यानाम अहम विष्णु हूं, विष्णु आया कि नहीं, इस 12 नाम में एक विष्णु भी है, तो विष्णु नामक एक आदित्य है, वह ये मेरी विभूति है। माने विष्णु में मैं, मेरा दर्शन, मेरा प्राकट्य ज्यादा है, यह मेरी विभूति है। बाकी सभी आदित्यों में भी मैं ही हूं, मेरे अलावा और कुछ आई ही नहीं वास्तव में, मगर विष्णु रूपी आदित्य में मेरा प्राकट्य ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा दिखता है। इसलिए आदित्यानाम अहम विष्णु हूं, 12 आदित्य है। आदित्य माने किसका संतान? अदिति, दिति संतान सारे दैत्य है, राक्षस लोग। दोनों किसकी पत्नियां हैं? कश्यप ऋषि की पत्नी, ठीक है, और साइंटिफिक है ये सब, दिति अदिति, डार्क फोर्सेस एंड व्हाइट फोर्सेस, व्हाइट ब्राइट एंड डार्क। इन द टाइम ऑफ क्रिएशन इट्सेल्फ दीज टू आर क्रिएटेड, ठीक है। तो आदित्यानाम अहम विष्णु हूं, विष्णु नाम आदित्य अहम। ज्योतिषाम रवि, प्रकाशयित्रूणाम, ज्योतिषा माने प्रकाशयित्रूणाम, किरण वाले, रवि अंशुमान, अंशुमान किरण वाले, रश्मिमान मरीचि, प्रकाश देने वालों में जो किरण देने वाले सूर्य भगवान है ना, वो मैं हूं, रवि अंशुमान। क्योंकि ये सूर्य जो है अंधकार का नाश करने वाला है, नक्षत्र दूर है, वे अंधकार को नाश नहीं करते, अंधकार में चमकते हुए दिखते हैं। कौन? नक्षत्र। सूर्य भगवान को अंधकार में चमकता हुआ आप देख सकते क्या? नहीं, जहां सूर्य है वहां अंधकार ही नहीं है।
ये अंशुमान माने किरण वाले हैं, अंशु माने किरण, ये किरण वाले सूर्य भगवान जो है वो मैं हूं। प्रकाश त्रुणाम, प्रकाश करने वाले ज्योतियों में मैं हूं अंशुमान रश्मिमान। मरीचि ही नामा मरुताम, मरुद देवता भेदानाम, 49 मरुद गणास है, मरुद 49 लोग हैं। मारुद डोंट क्राई करके इंद्र ने इनको सबको काट काट के काट काट के 49 बना दिया। विंड्स, देयर विंड गॉड्स 49 ऑफ देम मरुद गणास। सो मरुद देवता भेदानाम अस्मि नक्षत्र मरुत मरुताम अस्मि मरुताम। सो मरीचि, मरीचि ही नामा मरुताम, मैं उनमें से एक मरीचि है। वास्तव में 49 नामों में आप देखोगे उसमें मरीचि नाम नहीं आता है। फिर मरीचि कौन है? मरीचि माने वेग है। इन सभी वायुओं में जो वेग है ना, वेग को मरीचि कहते हैं। तो वायु में वेग मैं हूं, वेग स्पीड, वो मैं हूं। मरीचि ही नामा मरुता मरुद देवता भेदानाम अस्मि नक्षत्राणाम अहिम अहम शशि चंद्रमा। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। आपका डाउट आएगा नक्षत्रों में चंद्रमा कहां से आ गया। नक्षत्र माने नक्षत्र अलग है, चंद्रमा अलग है। आप जानते हैं कितनी पत्नियां हैं इनके चंद्रमा को है? चंद्रमा की पत्नियां कितनी है? 27। तो 27 नक्षत्र है ना, तो ये सारे पत्नियां हैं उनकी, और प्रत्येक दिन एक एक नक्षत्र के साथ रहता है, उनके गति में सारे नक्षत्र। इसलिए 27 डेज पूर्ण होते ही एक मास चंद्रमा का, चंद्रमा नक्ष का एक मास हो जाता है, चंद्रमा नहीं ना। तो इन सारे पत्नियां हैं और ये पत्नियां के साथ रहते हैं, इसलिए उनको भी नक्षत्र के रूप में, क्योंकि बिना नक्षत्र प्रत्येक दिन एक एक नक्षत्र के साथ रहते हैं चंद्रमा। मैंने उस नक्षत्र और चंद्रमा के बीच कुछ संबंध है उस दिन के लिए। फिर अगला दिन दूसरा नक्षत्र, फिर चंद्रमा के बीच में संबंध है, तो इसलिए उनको भी नक्षत्रों में गिनाया गया। नक्षत्राणाम अहम शशि, तो यह है आदित्यानाम अहम विष्णु, ज्योतिषाम रविरंशुमान, मरीचिर मरुतामस्मि, नक्षत्राणाम अहम शशि। यह भगवान की विभूतियां हैं। आज यहीं यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, फिर आगे का देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।